देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा महेश्वरी पूजन विधि। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, नवमी आदि तिथियों में ओम ह्रीम दुर्गे रक्षिणी इस मंत्र से देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि में आरंभ करके नामक्रम के अनुसार गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रा, कांति, सरस्वती, मंगला, विजया, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी रूप में उन देवी का पूजन करने वाले अधिकृत मनुष्य का ईष्ट से वियोग नहीं होता। दुर्गा देवी के 18 हाथ है। उन हाथों में खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पाश, शक्ति, मुग्धर, शूल, कपाल, शरक, अंकुश, वज्र, चक्र और शलाका, ये सभी सुशोभित रहते हैं। इनसे सुसज्जित उन अष्टादश भुजा देवी का स्मरण करना चाहिए। 28 भुजा वाली या 18 भुजा वाली अथवा 12 भुजा वाली या 8 भुजा वाली अथवा 4 भुजा वाली दुर्गा देवी का भी ध्यान करना चाहिए। महिषासुर का वध करने वाली वे देवी सिंह पर विराजमान रहती है। वासुदेव ने कहा, हे रुद्र, सूर्याचंद में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ये भगवान सूर्य तेज स्वरूप रक्त वर्ण वाले श्वेत पद्म पर विराजमान एवं चक्र वाले रथ पर समासीन दो भुजाओं से युक्त तथा कमल धारण करने वाले हैं। इस रूप में उनका सदैव ध्यान करना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे वृषध्वज, अब मैं महेश्वरी पूजा का वर्णन कह रहा हूँ, उसे सुनो। पहले स्नान तथा आचमन कर ले। इसके बाद आसन पर बैठकर न्यास करके मंडल में महेश्वरी की पूजा करें। हे महेशान, हर की पूजा परिवार के साथ करें। हे रुद्र, ओम हाम शिवासन देवता आगच्छत इस मंत्र से आसन के देवताओं का आवाहन करें। मंडल के मुख्य द्वार पर स्नान, गंध आदि द्वारा ओम हाम गणपतये नमः मंत्र से गणपति की, ओम हाम सरस्वतये नमः मंत्र से सरस्वती की, ओम हाम नंदिने नमः मंत्र से नंदी की, ओम हाम महाकालाय नमः से महाकाल की, ओम हाम गंगाय नमः से गंगा की, ओम हाम लक्ष्माय नमः मंत्र से लक्ष्मी की, ओम हाम महाकालाय नमः मंत्र से महाकाला की पूजा तथा ओम हाम अस्त्राय नमः से अस्त्र की पूजा करें। इस प्रकार ओम हाम ब्रह्माणे वास्तवधिपतये नमः से वास्तवधिपति की, ओम हाम गुरुभ्यो नमः से गुरु की, ओम हाम आधार शक्तये नमः से आधार शक्ति की, ओम हाम अनंताय नमः से अनंत की, ओम हाम धर्माय नमः से धर्म की, ओम हाम ज्ञानाय नमः से ज्ञान की, ओम हाम वैराग्याय नमः से वैराग्य की, ओम हाम ऐश्वराय नमः से ऐश्वर्य की, ओम हाम अर्धमाय नमः से अधर्म की, ओम हाम अज्ञानाय नमः से अज्ञान की, ओम हाम अवैराग्य नमः से अवैराग्य की, ओम हाम अनैश्वर्य नमः से अनैश्वर्य की, ओम हाम उद्धरछंदाय नमः से उद्धरछंद की, ओम हाम अधरछंदाय नमः से अधरछंद की, ओम हाम पद्माय नमः से पद्म की, ओम हाम कर्णिकाय नमः से कर्णिका की, ओम हाम वामाय नमः से वामा की, ओम हाम ज्येष्ठाय नमः से ज्येष्ठा की, ओम हाम रौद्रय नमः से रौद्री की, ओम हाम काल्य नमः से काली की, ओम हाम कल विकर्णय नमः से कल विकर्णी की, ओम हाम बल प्रथमिन्थे नमः से बल प्रथमिनी की, ओम हाम सर्वभूत दनमन्य नमः से सर्वभूत दमनी की, ओम हाम मनोमन्य नमः से मनोन्मनी की, ओम हाम मंडल तृतीयाय नमः से मंडल तृतीय की, ओम हाम होम हम शिवमूर्तये नमः से शिवमूर्ति की, ओम हाम विद्याधिपतये नमः से विद्यापति की और ओम हाम हिम होम शिवाय नमः से शिव की पूजा करें। अनंतर ओम हाम हृदयाय नमः से हृदय की, ओम हिम शिर से नमः से सिर की, ओम हुम शिखाय नमः से शिखा की, ओम हेम कवचाय नमः से कवच की, ओम होम नेत्रताय नमः से नेत्रते की, ओम हम अस्त्राय नमः से अस्त्र की और ओम हाम
सघ्यो जाताय नमः से सघ्यो जात की पूजा करें। सघ्यो जात की 8 कलाएं जाननी चाहिए जो पूर्व आदि दिशाओं में स्थित है। उनकी पूजा इस प्रकार करनी चाहिए, ओम हाम सिद्धय नमः से सिद्धि की, ओम हाम ऋग्देय नमः से ऋद्धि की, ओम हाम विद्युताय नमः से विद्युता की, ओम हाम लक्ष्माय नमः से लक्ष्मी की, ओम हाम बौधाय नमः से बौधा की, ओम हाम काले नमः से काली की, ओम हाम स्वधाय नमः से स्वधा की, ओम हाम प्रभाय नमः से प्रभा की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषध्वज, वामदेव की 13 कलाएं जाननी चाहिए। उनकी भी पूजा गंध पुष्प आदि से करनी चाहिए। उनकी पूजा से पहले ओम हाम वामदेवाय नमः कहकर वामदेव की पूजा करने के बाद उनकी कलाओं का पूजन करना चाहिए। जैसे ओम हाम रजसे नमः से रज की, ओम हाम रक्षाय नमः से रक्षा की, ओम हाम रत्ये नमः से रति की, ओम हाम कन्याय नमः से कन्या की, ओम हाम कामाय नमः से कामा की, ओम हाम जनन्याय नमः से जननी की, ओम हाम क्रियाय नमः से क्रिया की, ओम हाम वृद्धय नमः से वृद्धि की, ओम हाम कामार्याय नमः से कार्या की, ओम हाम रात्रय नमः से रात्रि की, ओम हाम ब्राह्मण्यय नमः से ब्राह्मणी की, ओम हाम मोहिन्यय नमः से मोहिनी की और ओम हाम क्षराय नमः से क्षरा की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषध्वज, तत्व पुरुष की 4 कलाएं हैं। पहले ओम हाम तत्व पुरुषाय नमः इस मंत्र द्वारा तत्व पुरुष की पूजा करें। तदनंतर ओम हाम निवृत्तये नमः से निवृत्ति की, ओम हाम प्रतिष्ठाय नमः से प्रतिष्ठा की, ओम हाम विद्याय नमः से विद्या की और ओम हाम शांताय नमः से शांति की पूजा करना चाहिए। अघोर की भैरव संबंधी 6 कलाएं जाननी चाहिए। इनकी पूजा से पहले ओम हाम अघोराय नमः मंत्र द्वारा अघोर की पूजा करने के पश्चात ओम हाम उमाय नमः से उमा की, ओम हाम शमाय नमः से शमा की, ओम हाम निंद्राय नमः से निंद्रा की, ओम हाम व्याधे नमः से व्याधि की, ओम हाम शुधाय नमः से शुधा की, ओम हाम तृष्णाय नमः से तृष्णा की पूजा करनी चाहिए। हे वृषभध्वज, ईशान देव की 5 कलाएं हैं। इनकी पूजा में ओम हाम ईशान देव नमः इस मंत्र से ईशान की पूजा करने के पश्चात ओम हाम सामित्य नमः से सामिति की, ओम हाम अंगदाय नमः से अंगदा की, ओम हाम कृष्णाय नमः से कृष्णा की, ओम हाम मरिच्य नमः से मरीचि की और ओम हाम ज्वालाय नमः से ज्वाला की पूजा करें। तदनंतर हे शंकर, ओम हाम शिव परिवारेभ्यो नमः से शिव परिवार का, ओम हाम इंद्राय सुराधिपतिये नमः से सुराधिपति इंद्र का, ओम हाम अग्ने तेजोधिपतये नमः से तेजोधिपति अग्नि का, ओम हाम यमाय प्रेताधिपतये नमः से प्रेताधिपति यम का, ओम हाम निरतय रक्षोधिपतये से रक्षोधिपति निरितिका का और ओम हाम वरुणाय जलाधिपतये नमः से जलाधिपति वरुण का, ओम हाम वायवय प्राणाधिपतये नमः से प्राणाधिपति वायु का, ओम हाम सोमाय नेत्राधिपतये नमः से नेत्राधिपति सोम का, ओम हाम ईशानाय सर्वविद्याधिपतये नमः से सर्वविद्यापति ईशान का, ओम हाम अनंताय नागाधिपतये नमः से नागाधिपति अनंत का, ओम हाम ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये नमः से सर्वलोकाधिपति ब्रह्मा का और ओम हाम धूलिचण्डेश्वराय नमः से धूलिचण्डेश्वर का आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोध तथा सकलीकरण करना चाहिए। तदनंतर तत्व न्यास करके मुद्रा दिखानी चाहिए तथा ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पाद आचमन अर्ध पुष्प अभ्यंग उद्वर्तन और स्नान तथा सुगंधानुलेपन वस्त्र अलंकार भोग अगन्यास धूप दीप नैवेद्य अर्पण करुद्वर्पण पाद अर्ध आचमन गंध एवं तांबुल निवेदन करने के बाद गीत वाद्य नृत्य से महेश्वर को संतुष्ट कर छत्र आदि समर्पित करना चाहिए। मुद्रा का प्रदर्शन करके आवाहित देव के रूप का ध्यान जप तथा
तादात्म्य भाव से मूल मंत्र द्वारा जप और पूजा को समर्पित करें। इस प्रकार विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए विश्वासु, गंधर्व तथा देवी कालरात्रि आदि की उपासना करनी चाहिए। शिव के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे महादेव, अमंगल का नाश करने वाले भगवान शिव के पवित्रारोपण की पूजा विधान को कह रहा हूँ। ये पूजा आषाढ़ श्रावण मास या भाद्रपद मास में होती है। पवित्रारोपण की इस पूजा में पवित्रक, जनेऊ बनाने के लिए सतयुग आदि के भेद से सूत्र धारण का नियम है। जैसे सतयुग के सुवर्ण के, त्रेता के रजत के, द्वापर के ताम्र के तथा कलयुग में कन्या के हाथ से बनाए गए कपास के सूत्र सूत को ग्रहण करना चाहिए। सूत्र को लेकर पहले उसे तिगुना करके पुनः उसका तिगुना करना चाहिए। इस प्रकार नवगुणित सूत्र से पवित्रक का निर्माण करके वामदेव मंत्र से उसमें ग्रंथि देनी चाहिए। तदनंतर हे शिव, सघोजात मंत्र से उसका प्रक्षालन करके अघोर मंत्र से उसका शोधन करना चाहिए। तत्पुरुष मंत्र से उसमें बंधन तथा ईशान मंत्र से तंतु देवताओं को सुगंधित धूप दिखाना चाहिए। तंतुओं में क्रमशः ओमकार, चंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, नाग, शिखी ध्वज, सूर्य, विष्णु और शिव का वास है। ये नौ तंतु के देवता हैं। हे रुद्र, इस पवित्रक में 108 या 50 अथवा 25 तंतु होने चाहिए। ये क्रमशः उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ हैं। पवित्रक में 10 ग्रंथिका का मान है। अतएव प्रत्येक 4 अंगुल या 2 अंगुल अथवा 1 अंगुल का अंतर देकर एक एक ग्रंथि का बंधन देना चाहिए। हे सदाशिव, उन ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं: प्रकृति, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, रुद्रा, अजीता, मनोन्मणि तथा सर्वमुखी। हे शिव, ग्रंथि बंधन के पश्चात उस पवित्रक को कुमकुम, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से रंजित करना चाहिए। उस गंधानुरंजित पवित्रक को देव को समर्पित कर देना चाहिए। तदनंतर यथाविधि सभी क्रियाओं को करके हे देवेश, हे महेश्वर, आप अपने गणों के साथ यहाँ पर आमंत्रित हैं। प्रातः काल यहीं पर आपका पूजन करूँगा, अतः आप यहाँ पर उपस्थित रहें। इस प्रकार देवता को निमंत्रित करें और गीत वाद्यादि के द्वारा रात्रि जागरण करें। प्रातः उन आमंत्रित पवित्रकों को भगवान महेश्वर के पास स्थापित करके चतुर्दशी तिथि में स्नान करें और सबसे पहले सूर्य तथा रुद्र की पूजा करें। तदनंतर ललाटस्थ्य विश्व रूप का ध्यान कर अपने आत्म स्वरूप की पूजा करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से प्रोक्षित और हृदय मंत्र के द्वारा अर्पित तथा संहिता मंत्रों से धूपित पवित्रकों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले शिव तत्व और विद्या तत्व की पूजा कर आत्म तत्व और देव तत्व का पूजन करें। भगवान महेश्वर को पवित्रक विधि पूर्वक निवेदित कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। विष्णु के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपनी विजय न होते देखकर ब्रह्मादि देवगण विष्णु की शरण में गए। उन सब की प्रार्थना सुन करके विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रवेयक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्रकों की पूजा आरंभ हुई। हे हर, प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है उसके अनुसार ही उस तिथि में उन देवताओं का पवित्रारोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि में विष्णु के लिए पवित्रारोपण का विधान है। व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायण, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, विवाह आदि मंगल एवं वृद्धि कार्यों तथा गुरुजन के आचमन इत्यादि अवसरों पर यह पूजा करनी चाहिए। पवित्रक के उद्देश्य से भी नित्य पूजन हो सकता है।
किंतु वर्षा काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्रकों का निर्माण वर्णानुसार होना चाहिए, जैसे ब्राह्मणों का पवित्रक कौशेय, कपास, शौम अथवा कुश सूत्र से निर्मित होना चाहिए, क्षत्रियों का पवित्रक कौशेय सूत्र से, वैश्यों का क्षौम सूत्र तथा वल्कल्य सूत्र से, और शूद्रों का सन से बना हुआ पवित्रक प्रशस्त माना गया है। कपास या पद्वज कमल से निर्मित पवित्रक समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। ओमकार शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन नौ देवताओं का इस पवित्रक के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये पवित्रक के तीन सूत्रों के देवता हैं, जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्रों को सुवर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र मध्यम तथा 27 तंतुओं का पवित्रक कनिष्ठ होता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि पर्वों को कुमकुम, हल्दी या चंदन से चर्चित कर उपवास रखते हुए उन्हें शास्त्र सम्मत पात्र में रखकर अधिवासित करें। पवित्रक को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उसका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए और यत्न पूर्वक उसका वस्त्राच्छादन करके उसे मंडलस्थ देव प्रतिमा के समक्ष यत्न पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मादि अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करें, मंडल का निर्माण करके नैवेद्य समर्पित करें, पवित्रक को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वेष्टित करें। तदनंतर अपने आप को तथा कलश, घी, अग्निकुंड, विमान, मंडप और ग्रह को सूत्र से वेष्टित करके 1 सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पूजा करके मंत्र का पाठ करना चाहिए। हे परमेश्वर, देवेश्वर, आप यहाँ पर पूजा के लिए आवाहित हैं। इस समस्त सामग्री से प्रातःकाल में मैं आपका पूजन करूँगा। आपकी सन्निधि यहाँ बनी रहे। 1 रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्रक को अधिवासित कर स्वयं रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल भगवान केशव का पूजन करें और निर्मित पवित्रकों को उन देव को अर्पित करें। पवित्रक को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्रक के द्वारा देव पूजन करके उसे मंत्र पढ़कर देवता के समक्ष स्थापित कर दें। हे देव, ये पवित्रक विशुद्ध रूप से ग्रथित, सुंदर तथा महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदनंतर इस मंत्र का पाठ कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। हे देव, ये विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अनंतर प्रार्थना करें। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं, उस प्रकार तंतुओं की बनी हुई ये माला और पवित्रक आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा संपन्न करके मंत्र पढ़ते हुए विसर्जन करें। हे पवित्रक, मैंने इस सावंतसरी पूजा को विधिवत संपादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णु लोक को पधारें।